नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सपा सांसद जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा में ऐसा बयान दिया जिसमें केंद्र सरकार को उन्होंने पानी पी पी कर कोसा है। जया बच्चन ने मोदी सरकार को श्राप देते हुए कहा है कि अब आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। जब सभापति ने उन्हें टोकने की कोशिश की तो जया उन पर भी भड़क गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जया बच्चन के इस वीडियो को लेकर लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। तमाम लोग उनके रवैये से नाखुश दिख रहे हैं। सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी उनकी आलोचना कर रही है। इसी कड़ी में पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी अपने प्रोग्राम में इस मुद्दे को उठाया है और जया बच्चन की तीखी आलोचना की है। दरअसल चैनल पर अपने स्पेशल शो के दौरान एंकर सुशांत सिन्हा ने कहा, जया बच्चन को देख लीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा कि राज्यसभा की कार्यवाही देख रहे हैं या फिर सड़क की लड़ाई। उन्हें मौका दिया गया था नारकोटिक्स बिल पर बोलने का, लेकिन बोलने लगी निलंबित सांसदों पर। कोई नियम कायदा होता है या नहीं? सिन्हा ने आगे भड़कते हुए कहा, आप जया बच्चन होंगी, आप बच्चन परिवार की बहू होंगी, लेकिन उस सदन के अंदर एक सांसद हैं। हर सांसद के लिए जो नियम कायदे कानून हैं वो आपके लिए भी हैं। जया बच्चन जी, आप सड़क पर कोई सेल्फी खिंचवाने आए तो उसे धक्का देकर हटा सकती हैं, पत्रकारों को भगा सकती हैं, लेकिन संसद के अंदर के कानून आपके हिसाब से नहीं चलेंगे। सुशांत यही नहीं रुके, उन्होंने जया बच्चन के बोलने के तरीके पर सवाल उठाया और कहा, संसद के चेयर से बात करने का तरीका देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर में किसी कर्मचारी की क्लास लगा रही हूँ। इतना गुस्सा सिर्फ इस बात पर कि बाहर जो हो रहा है वह पच नहीं रहा है, पच तो देश को भी नहीं रहा है कि बच्चन परिवार का नाम कैसे पनामा पेपर्स में निकल आया। आपको बता दें कि जया बच्चन की बहू और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम हाल ही में पनामा पेपर्स लीक मामले में सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। ऐश्वर्या से लगभग 5 घंटे तक दिल्ली के ऑफिस में पूछताछ की गई। इस बीच राज्यसभा सांसद में पेश हुई सपा सांसद जया बच्चन ने इसी तरीके से मोदी सरकार के लिए भाषा का इस्तेमाल किया था। बहरहाल जिस तरीके से पत्रकार सुशांत सिन्हा ने जया बच्चन को फटकार लगाई है उसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए।